नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता। लोकसभा में अयोध्या की जीत को अखिलेश यादव ने कुछ इसी अंदाज में लिया है और इसलिए अखिलेश यादव बीजेपी के खिलाफ उन सीटों पर जहां जीत मिशन इम्पॉसिबल नजर आती है पॉसिबल बनाने में जुटे हैं। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं और संगठन को जीत का नया मंत्र दिया, कहा आई एम पॉसिबल। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर समाजवादी पार्टी अयोध्या में बीजेपी को हरा सकती है तो भाजपा के शहरी गढ़ यानी गाजियाबाद में भी ये संभव है। इसके लिए अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को सिर्फ उत्साहित ही नहीं किया बल्कि सियासी चाल भी ठीक अयोध्या जैसी ही चली है। अयोध्या की तरह दलित समुदाय से ही बीजेपी के ब्राह्मण चेहरे के आगे कैंडिडेट उतारकर यानी पीडीए वोट बैंक पर निशाना साधकर, ऐसे में आज देखिए अखिलेश का मिशन आई एम पॉसिबल। भाई इलेक्शन में एक संदेश देने का काम करो और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मिलकर के जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन के उनको जिताइए। अयोध्या का जीतने के बाद अब गाजियाबाद असंभव चुनाव नहीं है, यहाँ भी जीता जा सकता है। बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे पीडीए का फुल फॉर्म है पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एरा गेरा। इस समय घबराए हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग तारीख पे तारीख बदल रहे, टालने वाले हारेंगे। यूपी के सियासी अखाड़े में 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव का जोर है, मुकाबला बराबरी का है। एक तरफ योगी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन जीत की नई इबारत लिखने के मिशन पर काम कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश की अगुवाई में विपक्षी इंडिया गठबंधन इस बार अपने पीडीए समीकरण के सहारे बीजेपी के किले में सेंधमारी के प्लानिंग पर काम कर रहा है। माना जा रहा है कि जिसका जातीय समीकरण जितना मजबूत होगा वो उतना ही प्रभावशाली साबित होगा और यही वजह है कि अब दोनों धड़ों में जबानी जंग तेज हो गई। जब उन्हें सत्ता प्राप्त हुई थी कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया। ऐसी लूट और डकैती किसी ने नहीं देखी होगी जितनी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में देख रहे हैं। भ्रष्टाचार है, हर जगह भ्रष्टाचार है। एक तरफ अखिलेश अपने पीडीए वाले फॉर्मूले का सहारे उपचुनाव के साथ साथ 2027 को साधने के मिशन पर काम कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ अपने हार्डकोर हिंदुत्व वाले एजेंडे के साथ चुनावी ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में यूपी में सियासी जंग अपने चरम पर पहुंच चुकी है। बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है। इस बार के जो बाई इलेक्शन है सत्ता में जो बैठे हैं उन्हें वो कोई सीट जीतने वाले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली। इसी बीच अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। सपा सांसद ने कहा है कि अयोध्या की जीत ने दिखा दिया है कि कुछ भी असंभव नहीं। इसके साथ ही उन्होंने गाजियाबाद सीट का जिक्र कर जीत का दावा कर दिया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, लोकसभा चुनावों के उत्साहवर्धक परिणामों के बाद इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को ये एक सुनहरा मौका मिला है कि वो गाजियाबाद में अपने संगठन की ताकत को दिखाए और भाजपा के सबसे बड़े शहरी गढ़ में ही उसे हराए। अयोध्या की जीत ने दिखा दिया है कि कुछ भी असंभव नहीं। इंडिया गठबंधन और पीडीए ने जो हराया उसकी वजह से उन्हें नींद नहीं आती जब वो एक करवट लेटते हैं, और जब नींद आती है दूसरी करवट करते हैं तो उन्हें अयोध्या की हार याद आ जाती है। अयोध्या का जीतने के बाद अब गाजियाबाद असंभव चुनाव नहीं है, यहाँ भी जीता जा सकता है। दरअसल लोकसभा चुनाव में अयोध्या में बीजेपी को करारी शिकस्त देने के बाद अखिलेश का हौसला हाई है। यही वजह है कि वो लगातार बीजेपी को पीडीए के सहारे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि गाजियाबाद बीजेपी का मजबूत गढ़ है लेकिन अखिलेश को अपने पीडीए पर पूरा भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा है इस बार गाजियाबाद उपचुनाव पहले भी हम लोग जीते हैं,
इस समय घबराए हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग, तारीख पे तारीख बदल रहे, टालने वाले हारेंगे। आज बेरोजगार भी आपके साथ हैं, अग्निवीर भी आपके साथ हैं, ओल्ड पेंशन बहालो उसके समर्थक लोग भी हमारा आपका समर्थन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने गाजियाबाद उपचुनाव की सीट पर अयोध्या वाले फॉर्मूले के तहत काम किया है। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में दलित उम्मीदवार को मैदान में उतारकर अयोध्या की सीट जीती थी। इसी तरीके से गाजियाबाद सीट पर भी समाजवादी पार्टी ने सामान्य सीट होने के बाद भी वहां दलित उम्मीदवार सिंहराज जाटव को मैदान में उतारकर मुकाबले को बेहद रोचक बना दिया है। गाजियाबाद की जातीय समीकरण की बात करें तो यहां पर वैश्य अनुसूचित जाति के वोटर्स निर्णायक हैं, जाट वोट बैंक भी मायने रखता है। मुझे गाजियाबाद की महान जनता पर, सम्मानित जनता पर पूरा विश्वास है कि हम सब लोगों को पूरा समर्थन जनता करेगी और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। जिस तरह से अयोध्या में आपने देखा है कि वहाँ पे चेंज जो आम जनमानस ने किया है वही चेंज यहाँ आम जनमानस निश्चित तौर पे इस गाजियाबाद में भी करके आपको दिखाएगा। लोकसभा नतीजों ने अखिलेश को देश के अग्रणी नेताओं की कतार में लाकर खड़ा कर दिया, साथ ही लोकसभा की जीत ने उन्हें उपचुनाव में एक बढ़त दे दी। ऐसे में अब अखिलेश को भी 2027 में जीत की एक उम्मीद नजर आने लगी। यही वजह है कि अखिलेश लगातार पीडीए पर जोर दे रहे ताकि 2027 में यूपी की सत्ता में वापसी की जा सके। 2027 को साधने के लिए अखिलेश हर रणनीति पर काम कर रहे हैं। अखिलेश इंडिया गठबंधन को एकजुट रखना चाहते हैं, साथ ही पीडीए वोट बैंक को मजबूत रखने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उपचुनाव में हर सीट का फीडबैक ले रहे हैं, सरकार की नीति पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, साथ ही संविधान और आरक्षण विरोधी नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ सेट कर जनता के बीच पीडीए हितैषी होने का संदेश दे रहे हैं। अखिलेश की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव से बने सियासी माहौल को 2027 तक बरकरार ही नहीं रखा जाए बल्कि 2024 से मिले वोट शेयर को बढ़ाया जाए। इसके लिए अखिलेश ने सिर्फ पीडीए वोट बैंक को एकजुट रखने की कोशिश की है बल्कि इसका विस्तार भी कर रहे हैं। यही वजह है कि ठाकुर समाज से आने वाले योगी आदित्यनाथ के सामने अखिलेश ने ब्राह्मण समाज से आने वाले माता प्रसाद पांडे को विपक्ष का नेता बनाकर खड़ा कर दिया, यानी पीडीए के साथ साथ ब्राह्मण वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए मास्टर स्ट्रोक चल दिया। यानी अखिलेश अभी से 2027 को साधने के मिशन पर लग गए। ये पीडीए गठबंधन 90% लोगों का है जिसमें पिछड़े, दलित भाई, अगड़े, आदि आबादी और अल्पसंख्यक में मुसलमान भाई, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सभी लोगों को शामिल किया है और ये 90% लोग इस सरकार के खिलाफ हैं। यूपी की सियासत में ये बात साफ है कि ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य वर्ग पर अभी भी भाजपा की मजबूत पकड़ बनी हुई, लेकिन उपचुनाव के साथ साथ 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की खासतौर पर निगाह अनुसूचित जाति के मतदाताओं पर होगी, उसमें भी खासकर जाटों वोटों पर, क्योंकि ये वर्ग बसपा को छोड़कर भाजपा के साथ अभी तक जाने से कतराता रहा है। इस वर्ग में पढ़े लिखे युवाओं की संख्या बढ़ी और उसे समझना आसान है और अखिलेश इसे साधने के मिशन पर काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी भी अपने ओबीसी वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने के मिशन पर काम कर रही। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, चाहे झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश के सभी सीटों को उपचुनाव में, जो 9 सीटों पर हो रहा, हर जगह भाजपा ही जीतेगी। अभी उपचुनाव है समाजवादी पार्टी, उस उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को 9 की 9 सीट हराने जा रही है, तो समाजवादी पार्टी उपचुनाव के लिए भी तैयार है, 27 के चुनाव के लिए भी तैयार है, उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है, पीडीए तैयार है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। अब सवाल ये भी उठता है कि यूपी उपचुनाव की जंग क्यों इतनी भीषण हो चली, आखिर मात्र 9 विधानसभा सीटों की हार जीत इतनी अहम क्यों हो गई, इसे समझिए। दरअसल ये उपचुनाव योगी अखिलेश में वर्चस्व की लड़ाई, वहीं इसमें जीत हार एनडीए इंडिया दोनों गठबंधन के प्रदेश में स्वीकारिता भी तय करेगा। वहीं ये भी तय हो जाएगा कि योगी अखिलेश में यूपी का असली जननेता कौन है।
साथ ही इस चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के फॉर्मूले का टेस्ट भी होगा। इस स्वीकार्यता का असर सिर्फ यूपी तक सीमित न रहकर देशव्यापी प्रभाव डालेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और ऐसे में चाहे एनडीए गठबंधन हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों ही सोच समझकर दांव खेल रहे हैं, क्योंकि यहां से आगे नुकसान का रिस्क हर लिहाज से भारी साबित होगा। राजनीतिज्ञों के लिए एक अलिखित संविधान है, हार तब तक मत मानो जब तक हो नहीं जाती। तो भले बटेंगे तो कटेंगे, इस नैरेटिव ने अखिलेश यादव को परेशान किया हो, लेकिन अखिलेश यादव अंतिम बॉल तक मैच खेलने के मूड में हैं। देखिए कैसे उपचुनाव में अखिलेश अयोध्या वाला फॉर्मूला आजमा रहे हैं, कि करके आपको हम दिखाते हैं। बीजेपी के जीती हुई सीटों पर पीडीए फॉर्मूला है, इसी पीडीए से जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया गया है। दूसरा, अयोध्या फॉर्मूले को अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में हो बहु उतार दिया, यहां से दलित चेहरे को टिकट देकर। तो वहीं दूसरी सीधी फाइट में बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेला है, क्योंकि सवर्ण बीजेपी का कोर वोट बैंक भी है। और बीजेपी के लिए चिंता वाली बात यह है कि पीडीए वोट बैंक जुड़ा तो बीजेपी को डेंट लगने का खतरा बरकरार है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश की रणनीति 27 में गद्दी दिलाएगी, क्योंकि सारी जद्दोजहद आखिरकार 27 की रणनीति का ही हिस्सा है। देखिए, उपचुनाव में अल्पसंख्यक आधी आबादी को प्राथमिकता दी है अखिलेश यादव ने। कैसे? चार कैंडिडेट्स अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, जबकि पांच जो है वो आधी आबादी से आते हैं। दूसरे नंबर पर विपक्षी दल का नेता अगड़े को बनाया उन्होंने, माता प्रसाद पांडे, उनका चुनाव इसी रणनीति का हिस्सा था। इसके अलावा पार्टी में लगातार शीर्ष पदों पर पीडीए समाज के लोगों की नियुक्तियां हो ही रही हैं, और इसके साथ साथ पीडीए प्लस अगड़ा की सियासी रणनीति पर भी काम करते हुए अखिलेश यादव पीडीए का विस्तार करने में जुटे हुए हैं। लेकिन राह में कुछ चुनौतियां भी हैं, अब इसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये राह इतनी आसान नहीं। तो पहली चुनौती है बीएसपी के जाटव वोट बैंक को साधना। लोकसभा चुनाव में गैर जाटवों को अखिलेश यादव में मायावती का विकल्प दिखा, लेकिन जाटव समुदाय के भीतर बीजेपी और इंडिया ब्लॉक की टक्कर बराबर की रही। 25% जाटव इंडिया गठबंधन के साथ तो एनडीए के साथ 24% बराबरी की लड़ाई में अखिलेश के लिए लीड लेना चुनौती बना हुआ है। दूसरी चुनौती है गठबंधन की एकजुटता, क्योंकि यूपी में कांग्रेस कब तक अखिलेश के अनुसार चलेगी या अखिलेश खुद भी नहीं जानते। तीसरी चुनौती की बात करते हैं, पीडीए का विस्तार, जिसमें अल्पसंख्यकों के साथ साथ अखिलेश अगड़ों पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंध लगाना इतना आसान भी नहीं है। और संविधान आरक्षण पर सत्ता पक्ष का घेराव, क्योंकि लोकसभा में तो यह खूब चला मुद्दा, अब इसकी धार कुंद होती नजर आ रही है। और इन चुनौतियों से पार पाए बिना अखिलेश यादव के लिए 27 का सत्ताधीश बनने की लड़ाई आसान नहीं होगी। दरअसल एक तरफ अखिलेश अपने पीडीए को धार देने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ योगी के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने मीरापुर में चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले पर करारा वार किया और उसका मतलब भी समझा दिया। उपचुनाव है, हमें और आपको और ख्याल रखना है कि हमारी कोई भी वोट खराब ना, हमारा जिनसे मुकाबला है वो तो चाह ही नहीं रहते कि आपकी वोट गिर पाए। जो पीडीए की बात करते हैं, पीडीए का फुल फॉर्म है पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एरा गैरा। अब गैरों के क्या करोगे, जो गैल है उनका ख्याल रखो। उधर समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव भी लगातार बीजेपी को घेरने में लगी। मीडिया से बातचीत में डिंपल यादव ने बीजेपी को संविधान और आरक्षण विरोधी करार दिया, कहा कि बीजेपी देश में संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। बड़ा ही असंवैधानिक तरीके से जिस तरह पूरा प्रशासन काम कर रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र को देश से खत्म करना चाहती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश का ये पीडीए मॉडल बहुत कारगर साबित हुआ। यूपी में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इन 37 सीटों में से 32 सीटों पर पीडीए समाज से आने वाले प्रत्याशी जीते थे, यानी 86%। आंकड़ों पर गौर करें तो 20 सांसद पिछड़ी जाति से जीत कर आए, वहीं 8 दलित प्रत्याशी भी सांसद बने, वहीं अल्पसंख्यक समुदाय के 4 सांसद जीत कर बने। यूपी की सियासत में सीएम योगी बीजेपी का वो चेहरा है जिसके दम पर बीजेपी ने सत्ता रिपीट की थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को डेंट जरूर पहुंचा, लेकिन हरियाणा के नतीजों के बाद बीजेपी का हौसला एक बार फिर हाई, जिससे यूपी उपचुनाव के साथ साथ बीजेपी 2027 में जीत का दावा कर रही। उपचुनाव हम लोग जीत रहे हैं, 27 में फिर से पूज्य महाराज जी की सरकार, डबल इंजन सरकार आ रही है। हमके लगा था कि और 27 साल लगी, 27 का ऊ का ताड़न उनके 27 साल और लगी सरकार में आए खातिर, जो हमके लोग का था और 27 साल उनको इंतजार करना होगा। विपक्ष के द्वारा
दुष्प्रचार का सहारा लेकर के जो लोकसभा में जनता को गुमराह करने की का काम किया है, जनता उनकी असलियत जान चुकी है। समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी है, भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य है। योगी जानते हैं कि उनके लिए उपचुनाव किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं, क्योंकि इस उपचुनाव से उनका राजनीतिक भविष्य जुड़ा हुआ। यही वजह है कि वो अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर और विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी ने दंगा प्रदेश बना दिया। आज उत्तर प्रदेश रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। जिस उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट था, आज वह देश की अग्रणी प्रदेश के रूप में उभर चुका है, आगे बढ़ चुका है। वहीं बीजेपी लगातार यूपी में इंडिया गठबंधन के टूटने की बात कह रही है, और इसकी वजह है कांग्रेस का एक भी सीट पर चुनाव न लड़ना। हालांकि कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस का साफ कहना है कि इंडिया गठबंधन यूपी में मजबूती के साथ टिका और 9 की 9 सीटों पर बीजेपी को हराने जा रहा है। श्री अखिलेश यादव जी स्वयं गहरे तनाव के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस ने उनका साथ छोड़ दिया है और कांग्रेस ने महाराष्ट्र और झारखंड में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। श्री अखिलेश यादव जी जो उपचुनाव हो रहा है उसमें 9 की 9 सीटें हार रहे हैं। हम लोग कंधे से कंधा मिला के उनकी जीत के लिए कोशिश करेंगे। कांग्रेस यहाँ पूरे बीजेपी का यही है कि समाज को बांटो और राज करो, क्योंकि ये गंगा जमुनी तहजीब जो है ये हमारे यूपी की पहचान है, इसको नष्ट करने की कोशिश बीजेपी कर रही है और ये होगी नहीं कभी। योगी जानते हैं कि इस बार उनकी राहें आसान नहीं। यही वजह है कि वो लगातार अपने हार्डकोर हिंदुत्व के साथ साथ विपक्ष पर बांटने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि योगी के बयान को विपक्ष उनकी हताशा और निराशा करार दे रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दल निजी स्वार्थ और परिवार के लिए राजनीति करते हैं और इस स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं। जैसे रावण और दुर्योधन जैसे लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी काम पिपासा की पूर्ति के लिए समाज को बांटा और भयंकर रक्तपात किया। उसी सबको ध्यान में होगा कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी इसी तरह की सरकार चलाया करती थी। जब से पीडीए की ताकत बढ़ी है, पीडीए ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की ताकत को कम किया है, संख्या को कम किया है, मनोबल को तोड़ा है, अहंकार को तोड़ा है, तब से भारतीय जनता पार्टी उनकी भाषा बदल गई है। तरह तरह के बयान, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, रावण की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी समझती कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की छटपटाहट है पीडीए को लेकर, वो साफ नजर आती है। मुख्यमंत्री जी विपक्ष को दुर्योधन और रावण बताने का काम कर रहे हैं। जिस विपक्ष ने इस संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, श्री राहुल गांधी जी ने पूरे देश में 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की भारत जोड़ो यात्रा की, लोगों के दुख दर्द को बांटने का काम किया, उनके दुख दर्द को समझा और सरकार के सामने सवाल बनाकर खड़ा किया। इन सब विषयों पर बोलने के लिए जवाब नहीं है, इसीलिए विपक्ष पर तोहमत गढ़ रहे हैं। दरअसल इस चुनाव में विपक्ष सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर है, हर एक मुद्दे को पीडीए से जोड़ रहा ताकि ये नैरेटिव सेट किया जा सके कि योगी सरकार पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक विरोधी है। अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर प्रशासनिक अमले के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। अब यूपी उपचुनाव वाले 9 सीटों का चुनाव है, लेकिन सरकार पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हर लिहाज से किसी भी राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से कम दिलचस्प नहीं। क्या समीकरण फिलहाल तक बनते नजर आ रहे हैं, देखिए। एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन की लड़ाई में एक तरफ हार्डकोर हिंदुत्व और जीरो टॉलरेंस को मुद्दा बनाया गया है, समीकरणों की हम बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पीडीए के नाम पर अब भी आरक्षण और संविधान मुद्दा है। इसके अलावा एनडीए में सहयोगियों से तालमेल बनाने की कोशिश देखी गई, खासकर उपचुनाव में संजय निषाद की नाराजगी खुलकर सामने आई। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में एकजुटता दिखाने की कोशिश हो रही है, हालांकि सीटों पर बात नहीं बनी तो कांग्रेस ने खुद को उपचुनाव से अलग कर लिया। तीसरी बड़ी बात, योगी आदित्यनाथ लगातार इस कोशिश में है कि हिंदुत्व से पीडीए को जोड़ा जाए, क्योंकि पीडीए को नकारा नहीं जा सकता। दूसरी ओर पीडीए के साथ साथ अखिलेश यादव का फोकस अगड़ों पर भी है, यानी अपने विस्तार के साथ साथ बीजेपी को डेंट लगाने की प्लानिंग। और चौथा गैर यादव जो ओबीसी वोट बैंक है उसे हिंदू एकता के नाम पर एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तो दूसरी ओर हर मोर्चे पर कोऑर्डिनेशन बनाने की पहल नजर आती है, लेकिन किसकी रणनीतियां कामयाब होती है, कौन से समीकरण काम आएंगे या फिर ध्वस्त होंगे और
2027 में किन मुद्दों की गूंज रहेगी, ये उपचुनाव सब कुछ तय करने वाला है। फिलहाल बस इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़।